Hello everyone. In this video, we are going to discuss the atmospheric circulation. Now, the atmospheric circulation is the large-scale movement of air, and together with ocean circulation is the means by which thermal energy is redistributed on the surface of the earth. Now, basically, this entire concept talks about the movement of air mass. And we'll make sure that by the end of the video, you'll be able to understand wind movements and cell formation. Alright, let's begin. Now, what are the factors affecting atmospheric circulations? The first one, of course, is the insolation of the sun. अब इसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी एंड द सेकंड फैक्टर इज प्रेशर डिफरेंस. इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे समझने के लिए सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है दैट विंड ट्रैवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. वन मोर थिंग दैट यू मस्ट नो इज what are latitudes. So basically 0 degree latitude is for equator, aur fir agar hum poles tak jayenge to ye latitudes badhte jayenge up till 90 degree which is for poles. Aise hi north pole aur south pole dono ko 90 degrees hota hai latitude, aur 0 degree to 90 degree jaate waqt beech mein 30 degrees aata hai and then there is 60 degrees. Ab ye 0 30 60 90 latitudes hum isliye dekh rahe hain because we'll need them to understand the entire concept in this video. राइट, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि विंड का डायरेक्शन अलग है इन डिफरेंट लैटिट्यूड बेल्ट्स. ऐसा क्यों है ये अभी हम देखेंगे. यू कैन ऑल्सो नोटिस दैट द विंड इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर एंड टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. ऐसा क्यों है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, और हमने कोरियोलिस इफेक्ट के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है. अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारी ऐप पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये वीडियो अवेलेबल है. Right, so we'll start with the equator and we'll move towards the poles, the north pole in this case, and we'll try and understand the cell formation process. Aur hum pure process ko is direction se dekhenge, this would be our reference. Right, so let us assume this is the 0 degree equator and this is 90 degrees north pole. Let us begin with the equator. अब हम जानते हैं कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी रहती है. इट हैज द हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर. इसका प्राइमरी रीजन ये है कि इक्वेटर पे इंसुलेशन सबसे ज्यादा होती है ऑन एन एवरेज थ्रू आउट द ईयर, और ज्यादा गर्म होने की वजह से सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि इस रीजन में लो प्रेशर बनेगा. लो प्रेशर वहां बनता है जहां पे कंपैरेटिवली वार्म रीजन होता है एज कंपेयर टू द हाई प्रेशर रीजन. तो यहां पर बनेगा लो प्रेशर. अब लैंड हीट अप हो जाएगा, लो प्रेशर वहां पर बना हुआ है, उसकी वजह से जो एयर है इट विल राइज अप. और ये राइज कहां तक करेगा, ये राइज करेगा टिल द ट्रोपोपॉज. नाउ व्हाट इज द ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज इज द जंक्शन बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर. ये ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की बाउंड्री है विच इज नोन एज द ट्रोपोपॉज. सो दिस इज द ट्रोपोपॉज. Now the air would remain in the troposphere, it cannot go to the stratosphere. So tropopause पे इसको रुकना पड़ेगा. अब रुकेगा कैसे, it will try to diverge at the tropopause. अब जैसा कि हम ITCZ वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स ITCZ वाले रीजन में कन्वर्ज करती है एंड दे राइज अप, तो इक्वेटर के पास में बेसिकली ITCZ रीजन में दोनों केस में नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स दोनों कन्वर्ज करके जब राइज अप करेंगी टिल द ट्रोपोपॉज देन दिल डाइवर्ज. आधा पार्ट नॉर्थ पोल की तरफ चला जाएगा और बाकी आधा पार्ट साउथ पोल की तरफ डाइवर्ज हो जाएगा. इसीलिए एक जैसे अलग अलग सेल्स बनेंगे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड इन द सदर्न हेमिस्फेयर. राइट, तो जब एयर राइज किया एट द जीरो डिग्री इक्वेटर और बेसिकली एट द ITCZ, बिकॉज ITCZ वाली वीडियो हमने देखा था कि लो प्रेशर ITCZ सबसे ज्यादा बनता है और यहीं पर एयर राइज अप करेगा और ट्रोपोपॉज पर डाइवर्ज होने के बाद इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पोल्स. Now let's say this is 30 degree latitude and this is the 60 degree latitude. अब ये warm air rise up करके diverge करके यहाँ तक पहुँचते पहुँचते it will cool down, और जब air mass ठंडा हो जाता है it tries to subside. ये subside करेगा towards the land, and when the air subsides towards the land mass it has two paths. कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा. तो let's say अभी हम सिर्फ इस वाले direction को देखते हैं कि जो एयर इधर जा रहा है टुवर्ड्स द इक्वेटर,
ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा क्योंकि ये 0 डिग्री इक्वेटर तक पहुंचने के बाद फिर से राइज अप करेगा कन्वर्जिंग विद द साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स. सो दीज विंड्स विच आर मूविंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स. नाउ दीज आर ऑल्सो नोन एज सब ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल रीजन में चल रही हैं. और ये जो सेल बना, ये कंप्लीट सेल जो बना, इसको हम बोलते हैं हेडली सेल. अब इसको हेडली सेल ही क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय जॉर्ज हेडली. ही गेव दिस थ्योरी वाइल डिस्क्राइबिंग हाउ द ट्रेड विंड्स इमर्ज. उसके बाद हम आते हैं पोलर सेल पे. अब इससे पहले कि हम पोलर सेल डिस्कस करें, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि हमने ट्रोपोपॉज को धीरे धीरे यहां पर सबसाइड करवाया है टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल. ऐसा क्यों है? ट्रोपोपॉज की हाइट नॉर्थ पोल पे सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होती है. इसका रीजन ये है दैट द एयर इज डेंस एट द नॉर्थ पोल. इसकी वजह से ट्रोपोपॉज नीचे होता है. और बहुत सिंपल तरीके से अगर आप समझना चाहें, लेट्स से ट्रोपोपॉज का टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल इज -80 डिग्री सेल्सियस. अब -80 डिग्री सेल्सियस इक्वेटर पे अचीव करने के लिए आपको काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे जाना होगा क्योंकि इक्वेटर पे ऑलरेडी लेट से ऑन एन एवरेज 30-40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. तो धीरे धीरे -80 तक जाते हुए आपको काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. लेकिन नॉर्थ पोल पे ऑलरेडी टेम्परेचर -10, -15, -20 डिग्री सेल्सियस है और -80 डिग्रीज जाने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा इफ वी टॉक अबाउट द एल्टीट्यूड. इसलिए ट्रोपोपॉज काफ़ी नीचे होता है एट द पोल्स. राइट, सो हम पोलर सेल की बात कर रहे थे. सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि पोल्स पे टेम्परेचर सबसे कम होता है और नॉर्थ पोल पे बहुत कम टेम्परेचर होने की वजह से, मिनिमम इंसुलेशन होने की वजह से एक हाई प्रेशर बनेगा. जैसा कि हमने देखा था कि इक्वेटर पे लो प्रेशर बना था बिकॉज ऑफ हाई इंसुलेशन, लैंड हीटअप होने की वजह से, वार्म रीजन होने की वजह से. वैसे ही कोल्ड रीजन होने की वजह से हाई प्रेशर बनेगा एट द पोल्स. नाउ द विंड विल मूव टूवर्ड्स द लो प्रेशर फ्रॉम द हाई प्रेशर. और पोल से इक्वेटर की तरफ जब विंड जाना शुरू होगा, इट विल रीच द 60 डिग्री लैटिट्यूड. और यहाँ पर कंपैरेटिवली द एयर इन द विंड वुड हैव वार्म्ड अप. और थोड़ा सा गर्म होने के बाद इट विल ट्राई टू राइज अप. अब राइज कहाँ तक करेगा? राइज ट्रोपोपॉज तक करेगा क्योंकि ट्रोपोपॉज से ऊपर विंड जा नहीं सकता, एयर मास जा नहीं सकता. और यहाँ पर जाने के बाद इट विल ट्राई टू डाइवर्ज एज इट डिड इन दिस केस. और डाइवर्ज करेगा थोड़ा पार्ट इधर, थोड़ा पार्ट इधर. हम देख रहे हैं सिर्फ इस वाले पार्ट को अभी. तो अगर देखा जाए तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा एंड इट विल ट्राई टू सबसाइड एट द पोल्स. तो ये एक साइकिल बन गई. इस सेल को हम बोलते हैं पोलर सेल. और ये वाले जो विंड हैं एट द सरफेस, एज यू कैन सी हियर, आर नोन एज द पोलर ईस्टर्लीज. अब हमने हेडली सेल देख लिया है, पोलर सेल देख लिया है. नाउ यू मस्ट नो दैट द पोलर सेल एंड द हेडली सेल आर थर्मल सेल्स बिकॉज दे आर बींग फॉर्म्ड ड्यू टू द इंसुलेशन ऑफ द सन एंड दिस इज लीडिंग टू द प्रेशर डिफरेंस. वहीं पे जो फेरल सेल है, दिस इज अ मैकेनिकल सेल. अ मैकेनिकल सेल का मतलब ये है दैट इट इज बींग फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द वॉइड दैट इज बींग क्रिएटेड बाय दीज थर्मल सेल्स. अब हेडली सेल बना, पोलर सेल बना, इन दोनों सेल के बनने से बीच में जो गैप बना, इस गैप को फिलअप करने के लिए एक मैकेनिकल सेल बनेगा विच इज नोन एज द फेरल सेल. नाउ यहाँ पर एयर राइज किया था तो यहाँ पर कंपैरेटिव लो प्रेशर बना था एज कम्पेयर टू द पोल्स. और यहाँ पर एयर सबसाइड किया था तो एक कंपैरेटिव हाई प्रेशर बना था एज कम्पेयर टू द इक्वेटर. तो अब यहाँ पर विंड डायरेक्शन क्या होगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो विंड विल मूव इन दिस डायरेक्शन और यहां पर जाके कन्वर्ज होगा इस विंड से एंड इट विल राइज अप. और फिर ट्रोपोपॉज पे जाने के बाद इधर मूव करेगा एंड देन इट विल कन्वर्ज आफ्टर मीटिंग दिस एयर मास कमिंग फ्रॉम द इक्वेटर्स. और फाइनली सबसाइड करने के बाद एक सेल बन जाएगा. इस सेल को हम बोलते हैं फेरल सेल. अब इसको फेरल सेल इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय विलियम फेरल. और ये जो विंड है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द पोल्स, इनको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज. एज यू कैन सी हियर, दीज आर द वेस्टर्लीज इन द टेम्परेट रीजन. अब हेडली सेल के बारे में आपको एक बार पता होनी चाहिए. एज द आईटीसीजेड शिफ्ट्स, ये लो प्रेशर आईटीसीजेड पे बनाए,
हम कहने के लिए इक्वेटर बोलते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, बट ये एक्चुअली लो प्रेशर ITCZ पे बन रहा है और ITCZ पूरा साल शिफ्ट होता रहता है, इसलिए हेडली सेल भी थोड़ा बहुत शिफ्ट होता रहेगा, कभी थोड़ा सा नॉर्थ में आएगा इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, थोड़ा सा शिफ्ट भी हो सकता है टुवर्ड्स द सदर्न हेमिस्फीयर. नाउ सिंस द पोलर सेल एंड द हेडली सेल आर थर्मल सेल्स, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्स होते हैं. स्ट्रॉन्ग होने की वजह से नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, विच आर ऑल्सो नोन एज द सब ट्रॉपिकल ईस्टरलीज और जो पोलर ईस्टरलीज होते हैं, दे आर रियली स्ट्रॉन्ग विंड्स. एंड ऑल्सो पोलर सेल और हेडली सेल वाले रीजन में बहुत ज़्यादा टेरेन नहीं है, ज़्यादातर प्लेन्स है या डेजर्ट हैं या कोल्ड डेजर्ट हैं, इसकी वजह से यहाँ पर विंड्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. लेकिन जो वेस्टरलीज हैं इन द फेरल सेल, ये काफ़ी वीक होते हैं, इसलिए इनको प्रिवेलिंग वेस्टरलीज भी बोला जाता है. ये वीक इसलिए होते हैं बिकॉज कुछ तो यहाँ पे टेरेन काफ़ी ज़्यादा है, अर्थ पे यहाँ पर माउंटेनियस रीजन है, टेरेन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इसकी वजह से ये विंड काफ़ी स्ट्रांग नहीं हो पाता है, छोटी छोटी चेन्स में होता है, ब्रेक होता रहता है. एंड ऑल्सो बिकॉज इक्वेटर के आसपास का और पोल्स के आसपास का लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर रिस्पेक्टिवली फिक्स्ड है, लेकिन क्योंकि हेडली सेल मूव करता रहता है इसलिए ये हाई प्रेशर कभी फिक्स नहीं हो पाता है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता रहता है. इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से वेस्टर्लीज की इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती रहती है, दैट इज़ वाई वेस्टर्लीज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स एज कम्पेयर टू द ईस्टर्लीज. राइट, सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल फॉर्मेशन एंड एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन. वी होप यू लाइक द वीडियो. अगर पसंद आया प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड प्लीज़ डाउनलोड आर ऐप एंड शेयर इट विद अदर्स टू. थैंक यू. So this is it for this video. The PDF notes for this video are available on the Civil Coursify Android app for free. Subscribe to our YouTube channel, download the Civil Coursify Android app and follow us on Facebook and Telegram. Links are available in the description as well as comment section. Till then, thank you and take care.